असलम क्या हाल है आप सबका वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे सबसे पहले आपको हमारी तरफ से गुज्तर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमारे परचम को वतन को ताक़्यामत कायम रखे आबो आबाद रखे अमीन आमीन और मुझे यकीन है कि बहुत अच्छे से जश्न आज़ादी मनाया होगा आप सब ने भी अच्छा यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि मुझे मेरी प्रीवियस वीडियो पर एक कमेंट आया था कश्मीर से कि आप हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी आज़ादी दे और हम भी आपकी तरह आज़ादी का दिन मनाएं तो यहाँ मेरे देखने वालों को सुनने वालों को मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब अपनी दुआओं में कश्मीर को ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताली उनकी परेशानियाँ और मुसीबतें कम करें और जो जिस इतने अरसें से जब वो ग़ुलामी में जकड़े हुए हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए और उन्हें आज़ादी दे ताकि वो भी हमारी तरह एक दिन आज़ादी मना सके और बिल्कुल उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सके जैसे कि वो चाहते हैं और इन ताला ऐसा ज़रूर होगा और हम हर दिन अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं हम उनके साथ खड़े हैं और अल्लाह तहा है इन शाला इन तो उन्हें ज़रूर आज़ादी मिलेगी अच्छा जी मैंने यहाँ पर आपके साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन काफ़ी बार आप सबके साथ शेयर की है और यहाँ पर भी आ, मेरी मॉर्निंग की ही रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मॉर्निंग का क्लिप है मॉर्निंग का तो नहीं खैर कह सकते ये सब काम करते करते उठते उठते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है मेरी मॉर्निंग काफ़ी लेट होती है तो अब मेरी मॉर्निंग हमेशा मेरे इन बर्ड्स के साथ ही स्टार्ट होती है अच्छा ऐसा था जब हमने ये बर्ड्स लिए थे एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ था और उनका ये पैशन है कि वो बर्ड्स रखे हैं और उनको बहुत बहुत अच्छे तरीके से वो देखते थे मैं तो बिल्कुल ऐसा उनका ख्याल नहीं रख पाती हूँ उन्होंने बहुत लाड प्यार से इन सारे बर्ड्स को रखा हुआ था वो इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और इनका जो पानी है वो रोज़ चेंज होता है रोज़ इनके बर्तन वॉश होते थे और इनके रोड फूड कंटेनर साफ होते थे मैं भी करती हूँ खैर लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा हुआ था तो स्टार्ट में तो ऐसा होता था कि मुझे मतलब मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी और मुझे इतना शौक़ नहीं था ऑब्वियस बात है हेल्प आउट ज़रूर करवाती थी उन, उनके साथ लेकिन इतना ज़्यादा शौक नहीं था लेकिन फिर बस अचानक से जब उनके वापस जाने का हो गया तो वो वापस चले गए और सारे बर्ड्स की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी तो शुरू में काफ़ी बुरा लगता था थोड़ा अजीब भी लगता था कि सबसे पहले उठो और ये काम करना होता है और जरूरी होता था ऑबियस बात है एक जानदार चीज़ घर में रखी हुई होती है तो उनका ख़्याल भी रखा जाता है तभी आ, मेरा ख्याल है कि आ, अगर उनका ख़्याल ना रखा जाए तो अच्छी बात नहीं है तो लेकिन अब अलहमदिल्ला अच्छा एंजॉय करती हूँ मैं सुबह उठ कर मुझे लगता है कि एक माइंड की थेरेपी हो जाती है बर्ड्स को रख कर और सुबह उनको पानी देना उनको दाना डालना उसके बाद शाम के टाइम उनको फूड डालना तो वो बहुत अच्छा अच्छा लगता है मज़ा आता है तो मैं अपने इस काम को इन्जॉय करती हूँ बस थोड़े से कम ज़रूर कर दिए मैंने क्योंकि जितने मैं हैंडल कर सकती हूँ उतने ही मैं रखती हूँ तो हालांकि वो हस्बैंड मेरे वहाँ यू ही में बैठ कर खुश होते रहते हैं देख देख कर तो मैं यहाँ जो है इनका ख्याल रखती हूँ तो हम जा रहे हैं जी एंगेजमेंट में अच्छा किसवा को ना कार में हैंडल करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था और मैं हर तरह की कोशिश कर रही थी कि मैं इसको किसी तरीके से बहला सकूँ और ये आराम से बैठे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था शायद ये फैंसी ड्रेस की वजह से ज़्यादा तंग हो रही थी हालांकि ए सी भी ऑन था उसके बावजूद बहुत मुश्किल से मैं इसको हैंडल कर रही थी ये बैठ ही नहीं रही थी आराम से तो खैर अब नया नया एक्सपीरियंस है तो चूँकि पहली बार इसका कोई भी फंक्शन है जो कि मैं इसको साथ लेके गई थी और अटेंड करना था और मैं अकेली थी तो इस वजह से मुझे ज़्यादा फील हो रहा था तो ऐसा ऐसा टाइम के साथ साथ सीख लूँगी लूंगी इनशाला अच्छा जी बहुत ही खूबसूरत वेन्यू था बहुत ही पीसफुल था और हम फर्स्ट कैसे जो पहुंचे थे और कोई भी नहीं था अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जो कार्ड पर टाइमिंग लिखी जाती है जो टाइमिंग आपको बताई जाती है लोग उसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं लेट आना किसी भी फंक्शन में उसको इतना क्लासी और इतना मॉडर्न क्यों समझा जाता है कि ये कोई अच्छी बात है हालांकि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है Uh, मुझे लगता है कि टाइम से पहुंचना चाहिए जो टाइम आपको दिया गया है टाइम से पहुंचना चाहिए ताकि टाइम से ही जो काम शुरू होने वाला है वो हो बहुत ही सिंपल सा एक अंगेजमेंट का फंक्शन था लेकिन ये बहुत लेट था uh, मेरे अबू इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि ना जो टाइम है उससे उस पर ही पहुंचा जाए हाँ आधे पौने घंटे का मार्जिन होता है कि आप उस पर थोड़ी ट्रैफिक में फंस गए हैं या वैसे ही थोड़ी से लेट हो गए हैं लेकिन इतना ज़्यादा लेट नहीं होता खेर तो अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों है अगर आप लोग भी लेट आते हैं तो और यहाँ पर हो रही थी दुल्हे की एंट्री दुल्हे की एंट्री स्पोर्ट्स कार में हुई थी साथ में उनकी ब्राइड बैठी थी मैं ज्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि हर एक अपनी प्राइवेसी होती है और कोई कंफर्टेबल होता है और कोई नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंट्री बहुत अच्छी थी बहुत मज़ा आया था बायदा तौर पर बैंड बजाया गया था किस बात सो रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी इस बैंड की आवाज़ से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाउड था तो बस सब इन्जॉय कर रहे थे और बस इतना ही मैं शूट कर सकती थी ज़्यादा शूट नहीं कर सकती थी और ये था हम घर वापस आ रहे थे और घर वापसी पर मैंने बोला था भाई से कि मुझे ना मटका चाय पिला दो ये मुझे बहुत पसंद है और किस वक्त देखिए देखें कितने अच्छे से इन्जॉय कर रही है बिल्कुल मैंने इसकी गाड़ी में ही ड्रेस चेंज करवा दिया था ताकि ये ज़्यादा इजी हो जाए और मुझे तंग ना करे क्योंकि ये गोद से बिल्कुल ही नहीं उतर रही थी अच्छा ये मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ जो कि मैंने पहना था ये रात का टाइम है और फ्लैश लाइट में इसका कलर बिल्कुल वैसा वो नहीं दिखा पा रहा है जो कि था बहुत ही खूबसूरत लाइट सा पिंक टी पिंक कलर था और बिल्कुल एंगेजमेंट के फंक्शन के लिहाज से बिल्कुल अच्छा था बिल्कुल सूटेबल था तो मैंने ये ड्रेस पहना था साथ में मैंने बिल्कुल सिंपल सा आ, एक सेट पहन लिया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ तो बस आज का व्लॉग इतना सही था आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इन आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग में तो अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़